डॉक्टर केके अग्रवाल जो एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर ही नहीं बल्कि यहाँ पर काफी अच्छे इंसान भी थे। डॉक्टर केके अग्रवाल के निधन के बाद से यहाँ पर हर किसी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस यहाँ तक कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी स्टेटमेंट और रिएक्शन सामने आए थे। लेकिन अब हम करने वाले हैं खुलासा आप सबके सामने डॉक्टर केके अग्रवाल के निधन के बाद आई लास्ट वीडियो पर, उस वीडियो पर जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को वो एडवाइस दी जिसे सुनने के बाद डॉक्टर्स के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या कहा जाने से पहले इस वीडियो में डॉक्टर केके अग्रवाल ने वो बताएंगे और उसका मतलब क्या है वो भी आपको समझाएंगे। तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना काल के इस महामारी के बीच भी हौसला बढ़ाने वाले देश की मशहूर फिजिशियन हार्ट केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल यानी कि डॉक्टर केके अग्रवाल का कोरोना के गंभीर संक्रमण की वजह से निधन हो गया। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद से पूरे देश के लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या कोई आम जनता हर कोई डॉक्टर केके अग्रवाल को अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहा है और साथ ही उनके परिवार के लिए संतावना भी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने आज ऐसे हालात कर दिए कि हर कोई यहाँ पर इस बीमारी से डर रहा है क्योंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि हर कोई इस बीमारी की वजह से जिंदगी को अलविदा कह दे रहा है। और ऐसे में अब इस कोरोना जैसी महामारी के बीच खुद लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए सामने आए थे खुद डॉक्टर केके अग्रवाल। जी हां, आपको बता दें कि डॉक्टर केके अग्रवाल की लास्ट वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो में खुद डॉक्टर केके अग्रवाल ने खोला है निधन से पहले वो राज, कहे हैं वो आखिरी शब्द जिसे जानने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। आज करेंगे खुलासा इसी स्पेशल रिपोर्ट में उस वीडियो पर और उनके कहे हुए उन आखिरी शब्दों पर। बता दें कि ये जो वीडियो सामने आई है इसमें डॉक्टर केके अग्रवाल खुद बीमारी के बीच सभी के सामने आए और सबसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा हूं और कोरोना के साथ साथ मुझे निमोनिया भी हो गया है। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। इसी के साथ उन्होंने राज कपूर की उस फिल्म को भी याद किया जिसमें पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और साथ ही द शो मस्ट गो ऑन को लेकर उन्होंने बात की। द शो मस्ट गो ऑन, इन शब्दों का अर्थ ये है जहां पर उन्होंने खुद कहा कि मेरे जैसे लोग जो इस बीमारी से लड़ भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं और इस बीमारी के बीच लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो घबराए ना, वो डरे ना इस बीमारी से, उन्हें जीने की एक रोशनी मिल सके, उस रोशनी को देने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही है हमारा द शो मस्ट गो ऑन का अर्थ, जहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस जिंदगी को यूं ही चलाने की। ये बीमारी तो यूं ही चलती रहेगी अभी कुछ वक्त तक, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जीना है, आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, इस बीमारी से लड़ना होगा, जिंदगी को जीना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसी का नाम है द शो मस्ट गो ऑन। आपको इसी तरह इस लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा, इस लड़ाई को मात देनी होगी, कोरोना जैसी बीमारी को हराना होगा ताकि हमारा देश, हमारे लोग आगे बढ़ सके और ऐसे ही लोगों को मोटिवेट कर सके ताकि यहाँ पर इस बीमारी से लड़ रहे लोग इस चिंता में ना डूबे कि अगर उन्हें कोरोना जैसी बीमारी हो चुकी है तो अब वो शायद नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं है, वो बचेंगे, वो जिंदगी को फिर से जिएंगे। यही है, जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसी के साथ डॉक्टर केके अग्रवाल ने ये भी कहा कि हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं वन ऑन वन, यानी कि यहाँ पर एक डॉक्टर के साथ एक पेशेंट को कंसल्ट करने की नहीं बल्कि 100 पेशेंट्स को एक डॉक्टर जो कंसल्ट करता हुआ नजर आए। यहाँ पर डॉक्टर केके अग्रवाल ने ये भी कहा कि यहाँ पर सेम सिम्टम्स वाले
100 पेशेंट्स को एक साथ हैंडल करना होगा। यहाँ पर एक के साथ एक डॉक्टर और एक पेशेंट अगर इन चीज़ों को हैंडल करेगा तो ये बातें और भी ज़्यादा बिगड़ती जाएगी और हालात और ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे। इसीलिए हमें अब इस बीमारी को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा जिसमें कि कोरोना के कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो, कुछ ज़्यादा सिम्टम्स वाले लोग को जो लोग होंगे उनका ग्रुप अलग होगा, जो उससे ज़्यादा होंगे जो सीरियस कंडीशन के होंगे उनका ग्रुप अलग होगा, ताकि उन लोगों को डॉक्टर अकेले में कंसल्ट कर सके और एक डॉक्टर उन 100 लोगों को मोटिवेट कर सके, क्योंकि हमें इस बीमारी से निकलना है, लड़ना है और फिर से जीकर जिंदगी दिखाना है। इसी का नाम है द शो मस्ट गो ऑन। इसी के साथ उन्होंने आखिरी शब्द में डॉक्टर से एडवाइस भी दी डॉक्टर्स को और कहा कि मेरी आप सभी से अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी डॉक्टर्स से मैं यही कहूँगा कि 100-100 पेशेंट का एक ग्रुप बनाएं और उन सभी को जूम मीटिंग के जरिए उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कंसल्ट करें किससे कौन सी बीमारी है, किस वजह से जूझ रहा है, क्या हो रहा है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके से रखें। उम्र के हिसाब से ग्रुप को बांटें, 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को एक ग्रुप में रखा जाए, 18 से 25 साल की उम्र को बच्चों को अलग रखा जाए, 25 से 35 साल की उम्र के लोगों का अलग ग्रुप बनाया जाए, ताकि जल्द से जल्द उन्हें कंसल्ट किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और उन्हें इसी तरीके से हमें ट्रीटमेंट अपना शुरू करना होगा। हम एक पेशेंट के साथ लगकर इस बीमारी को मात नहीं दे सकते, हमें एक साथ 100-100 पेशेंट्स को हैंडल करना होगा, इसी तभी इस बीमारी को हम मात दे सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। हमें ये चीज़ जारी रखनी होगी और इसीलिए वो बार बार कहते रहे द शो मस्ट गो ऑन, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि ये बीमारी अभी यूं ही चलेगी, इसीलिए हमें भी इसी तरीके से बीमारी में खुद को बदलना होगा, अपने हालातों को बदलना होगा और उन हालातों को बदलते हुए खुद को आगे बढ़ाना होगा, खुद को तैयार करना होगा ताकि ये बीमारी हमें मात ना दे सके। तो ये थे उनके आखिरी शब्द डॉक्टर को एडवाइस डॉक्टर के अग्रवाल की। नेक्स्ट लाइव सुरजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट डॉक्टर के अग्रवाल की लास्ट वीडियो पर। उन्होंने किस तरह से कहा शो मस्ट गो ऑन, जिसका खुलासा हमने हमारी रिपोर्ट में किया, आपको बताया इस लास्ट शब्द का अर्थ और साथ ही आखिर उनका ये कहने का क्या अर्थ था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ।